देखो क्वेश्चन था कि एल्विओलाई, तो एल्विओलाई क्या होता? एल्विओलाई देखो थिन कैपिलरी हो, क्या होता है यहां से क्रॉस होता है, और इसमें होता क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा होता है। इसमें आया कौन, एयर, कहां से, लंग, ये लंग है, एनवायरमेंट से क्या आया, एयर, लंग का ही पार्ट है एल्विओलाई। एयर, इस एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में मूवमेंट होता है, वो पैसिव मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है, पैसिवली मूव करता है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, इसी हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल लो है और यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल हाई है, तो हाई टू लो में मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, डीऑक्सीजनेटेड टू एल्विओलाई, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल यहाँ लो है, यहाँ पे ज्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर मूव करेगा एल्विओलाई, तो यहाँ पे होता क्या, डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि पहले कार्बन से लंग्स में आया है, वहां से ऑक्सीजन, तो मतलब है एल्विओलाई का फंक्शन, तुमसे भी इतना छोटा सा पार्ट सुनिए, सुनिए जारी बोलिए और समझाने के लिए बोलिए। यहाँ हो क्या, एयर आया, एयर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल हाई था, कार्बन डाइऑक्साइड का लो था, यहाँ ब्लड कौन सा है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है, क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे होगा, डिफ्यूजन कैसे करता है, पैसिवली करता है, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, समझ में आ रहा है। इसके पहले क्या क्वेश्चन था, इसके पहले क्या क्वेश्चन, हाउ मैक्सिमाइज, समझ गए, हां लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कंट्रोल एंड पार्टीशन ऑफ, एक मिनट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन व्हिच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गन्स, तो ग्रेट ग्लूकोज पाइरुवेट की चेंज होता है, उसके बाद रेस्पिरेशन हो गया ना, ये एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है, एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और एनारोबिक में ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, और अदर अदर केसेस में अदर अदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, एक कॉमन होगा एनर्जी, एनर्जी कॉमन होता है, लेकिन एनर्जी में भी कितना एटीपी का फॉर्मेशन है, ऑक्सीजनेटेड में एरोबिक में 38 या 2 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और उसमें भी दो दो केसेस होते हैं, एक इतना उनका फॉर्मेशन कर देता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, ठीक है, और आप एरोबिक में देख लेना कितना कार्बन है, कार्बन 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 कैसे चेंज होता है, पता है, क्या बना रहे हो तुम, होमवर्क क्लास को क्यों कन्वर्ट कर रही हो, अभी बना रहे थे क्या, तो तुम किसका होमवर्क बना रहा है, हो गया, कौन किसी का बना रहा है, उसका ब्रांच क्या है, हो सकता है ब्रांच क्या कर रहे हो, नहीं बना रहे, ये बना हुआ है, दे भाई भाई, ठीक है, क्या बना रहे हो, होमवर्क किन लोगों ने नहीं किया, देखो प्लांट हार्मोन है क्या,
प्लांट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई एक्सटर्नल इवेंट, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इंटरनल स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलस आता है बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड हार्मोन। और ये हार्मोन का एक मैसेंजर की तरह काम करता है, पहले ही बताया, फिर बता दो प्लांट हार्मोन और उसका फंक्शन क्या क्या। प्लांट हार्मोन प्रेजेंट होता है प्लांट, कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन, ध्यान समझना, हार्मोन ध्यान समझना, ठीक है। ऑक्सिन कहां ये फॉर्मेशन, साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, अगर प्लांट में हुआ सिंथेसिस बात तो नहीं है। सिंथेसाइज प्राइमरी इन शूट एपिकल मेरिस्टम एंड इन यंग लीव, ठीक है। शूट पार्ट में दो पार्ट होता है, एक होता है रूट पार्ट और दूसरा होता है सॉरी एक होता है शूट पार्ट दूसरा होता है रूट पार्ट। तो शूट पार्ट में भी कहां एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल कहां होता है टॉप पे होता है, फॉर्मिंग लीव एपिकल कहां होता है टॉप, ठीक है एपिकल मेरिस्टम। अब मेरिस्टम कौन सा टिश्यू होता है डिवाइडिंग, मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो होता है, देखो प्लांट टिश्यू, प्लांट कितने टाइप, प्लांट टिश्यू कितने टाइप होता है, दो टाइप होता है, एक होता है मेरिस्टमैटिक दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू वैसा टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि डिवाइडिंग होगा और परमानेंट वैसा टाइप ऑफ टिश्यू जो कि नॉट डिवाइडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर जब परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग टिश्यू तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि सेल तो सेल डिविजन से ही आएगा, है ना। टिश्यू किससे फॉर्म होता है, सेल से, और सेल सेल डिविजन से ही आएगा। तो ये आया कहां से, परमानेंट टिश्यू आया कहां से, क्वेश्चन है कहां से आएगा परमानेंट टिश्यू, भूल गए सब क्या, टिश्यू जो डिविजन करना, सुनो मेरिस्टमैटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू ही परमानेंट नहीं आता जान को, मेरिस्टमैटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है, एंड दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। This one conversion is called differentiation, class 9 tissue chapter, ठीक है। तो ये साइट ऑफ सिंथेसिस तो कहां बनता है, शूट में बनता है, शूट में भी कहां पे मेरिस्टमैटिक टिश्यू, कौन सा मेरिस्टमैटिक टिश्यू, एपिकल, एपिकल। और एपिकल कहां प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है टिप पे, कौन से टिप पे, दोनों ही टिप पे प्रेजेंट होता है, शूट पे भी होता है, शूट का भी टिप होता है, टिप होता है और रूट का भी टिप होता है, तो दोनों ही टिप पे प्रेजेंट होता है रूट एंड इसीलिए बोला शूट, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम दो दो जगह होता है, रूट टिप पे भी और शूट टिप पे भी, रीजन यहाँ क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम एंड इन यंग लीफ। अब ऑब्वियस बात है यंग लीफ भी इधर यूज है, ठीक है, साइट ऑफ सिंथेसिस। तो इसका साइट ऑफ सिंथेसिस क्या हो गया, तो उसका फंक्शन भी कहीं ना कहीं से मिलता जुलता होगा। इसका काम क्या होता है, प्रमोट करता है सेल के इलॉन्गेशन, सेल के इलॉन्गेशन क्या करता है, प्रमोट करता है और लेटरल बर्ड्स के ग्रोथ को सप्रेस करता है, बढ़ावा देता है। लेटरल ग्रोथ क्या होता है, बर्ड्स और ग्रोथ होना, ठीक है, समझ। इसीलिए क्या हुआ, रूट टिप शूट टिप पेपर, क्योंकि शूट टिप पे जो टिप होता है वहीं से फिर ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, ग्रोथ सप्रेस होता है, ऑक्सिन सप्रेस मतलब इंक्रीज होता है, सप्रेस का मतलब होता है बढ़ावा देना, डिप्रेस का मतलब दबा देना, सप्रेस बढ़ावा देना। और चूंकि इस लीफ में प्रेजेंट होता है तो ये डिले करता है, रोकता है किस तरीके से कि लीफ फॉल ना हो जाए, ठीक है। और क्या इंड्यूस करता है, फॉर्मेशन ऑफ पार्टेनोकार्पिक फ्रूट, पार्टेनोकार्पिक फ्रूट वही फ्रूट है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन वो उसका फॉर्मेशन हो गया है, सो क्या बोलते हैं ना पार्टेनोकार्पिक। दूसरा है जिबरली, दूसरा हार्मोन क्या है जिबरली, देखो सर साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, सिंथेसाइज प्राइमरी इन मेरिस्टेम, कौन सा मेरिस्टेम, एपिकल बर्ड एंड रूट एज वेल एज, दोनों में बर्ड में भी और रूट में है। अब फंक्शन इधर देखो, स्टेम के इलॉन्गेशन, स्टेम के इलॉन्गेशन, अब स्टेम की बात आ गई कहा, यहां लिखता है ये जो है एपिकल मेरिस्टेम में था, ये बर्ड के मेरिस्टेम में है और रूट के मेरिस्टेम में, तो ये करता क्या, स्टेम की इलॉन्गेशन में हेल्प करता है,
It breaks the dormancy of seed and pod. Dormancy क्या बात होता है? What do you mean by dormancy? क्या बताएँ dormancy? शांत डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी क्या होता है? निकिता न्यूट्रल स्टेट. आदित्य कहाँ जाने दे? मुझे जाना. हाँ जी ओ बेटा लो सोच रहे कि ब्रेक्स सर उसका न्यूट्रल स्टेट को ब्रेक करता. शांत शांत बैठा हुआ है उसको. शांत बैठा हुआ कहने का मतलब सही है. तो सीड को देखते हैं हम लोग. सीड और बर्ड क्या होता है? डोरमेंट होता है. डोरमेंसी का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए रुक जाना, स्टॉप मेटाबॉलिज्म स्टॉप कर देना. सीड को रख लेते तो क्या होता है वो डोरमेंसी? जैसे सॉइल के अंदर डालते हैं वो इट ऑल्सो डिले सीनेशन. सीनेशन का मतलब क्या होता है? बूढ़ा, ओल्ड एज. सेवन स्टेजेस. अच्छा ये सीनेशन का कहने का क्या मतलब हो गया? देखो एज तो ऐसे ही बढ़ेगा. एज ऊपर हो सकता है नहीं हो सकता, ओल्ड एज को नहीं. लेकिन हाँ मेटाबॉलिज्म की जो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है ना उसको ये रोक सकता है. तो इसीलिए कहते हैं डिले सीनेशन. इसका मतलब ये नहीं कि ये समय को रोक लेगा. ठीक है नेक्स्ट इंड्यूस्ड. तो ये हम लोग आज हम लोग क्या मतलब अभी हम लोग क्या देखे? दो हार्मोन को देखे, ऑक्सिन एंड जिबरेलिन. प्लीज राइट डाउन. देखो नेक्स्ट इज साइटोकाइन. साइटोसिंथेसिस रूट में होता है और ट्रांसपोर्ट होता है अदर ऑर्गन. कौन? साइटोकाइन. साइटोकाइन बंदा रूट में है और रूट से फिर ट्रांसपोर्ट होता है उसके अदर पार्ट. फंक्शन है सेल डिविजन को स्टिमुलेट करता है और सेल इलॉन्गेशन को स्टिमुलेट करता है. डिविजन एंड इलॉन्गेशन.
It also prevents aging of plant part and it inhibits dormancy, apical dormancy. ये क्या हो गया साइटो काइनेसिस. देखो हार्मोन अभी तक तुम लोगों को तीन बताया. हार्मोन तीन बताया. कौन कौन? ऑक्सिन, ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनेस. नेक्स्ट वन इज इथिलीन. इथिलीन साइटोसिंथेसिस. देखोगे ये सीनेसेंट लीव्स में होता है, फ्लावर्स में होता है, जर्मिनेटिंग सीड में होता है या राइपिंग फ्रूट में होता है. सीनेसेंट लीव का मतलब, सीनेसेंट का मतलब क्या हो गया? जो ओल्ड है. फंक्शन है टू इंड्यूस फ्रूट राइपिंग. क्योंकि ये क्या होता है, राइपनिंग फ्रूट में भी होता है. तो फ्रूट राइपनिंग होता है तो पकना, ठीक है, उसको पकने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इट प्रमोट सीनेसेंस. ये हो गया, यही चार है तुम्हारा. सॉरी पांच. मतलब क्या होता है? मूवमेंट इन विच प्लांट मूव थ्रू स्टेबिलाइज. ग्रोथ मूवमेंट. सही बोला. एक पार्ट ऐड देखो, ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है, जो कि क्या एक्सटर्नल स्टिमुलाई से प्रमोट होकर के क्या होता है, फिर क्या होता है ये अपना डायरेक्शन या स्टिमुलस का डिटेक्शन ये करता है. उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन. ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पांस टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस. ध्यान देना क्या बोल रहा है, जहां से स्टिमुलस आया डायरेक्शन उसी का वही हो जाता है. किस चीज का डायरेक्शन? रिस्पॉन्स का डायरेक्शन, ठीक है. प्रोपेगेशन. अब ट्रॉपिक्स में वेरियस टाइप का होता है. एक लाइट है फोटोट्रॉपिक, जियो केमिकल ट्रॉपिक्स में हाइड्रोट्रॉपिक एंड फाइगोट्रॉपिक. द फर्स्ट वन इज लाइट ट्रॉपिक्स. फोटोट्रॉपिक्स में स्टिमुलस का लाइट, ठीक है, जियो का ग्रेविटी, कीमो का केमिकल, हाइड्रो वाटर एंड हाइगो टच, ठीक है. अब इसको नोट नहीं किया? नहीं, थोड़ा सा देखो. और एट लास्ट क्या है? एब्सिसिक एसिड. तो साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? सिंथेसाइज इन ग्रीन फ्रूट. याद आ दो कहां कहां बनता है? ग्रीन फ्रूट में, सीड्स में एंड एट द बिगनिंग ऑफ विंटर. क्यों? टू इंड्यूस डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट एंड इट स्टिमुलेट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. कौन? एब्सिसिक एसिड. ठीक है. ट्रॉपिक्स में तुम लोग देख लिए हो स्टिमुलस जो लाइट है उस फोटोट्रॉपिक्स है. ये क्या है? नेम ऑफ ट्रॉपिक. फोटोट्रॉपिक का स्टिमुलस फॉर लाइट. जियोट्रॉपिक ग्रेविटी, ठीक है. मतलब जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, एक पॉट है सीधा सा उलट गया. क्या हो गया? उलट गया. तो उसका शूट पार्ट में जाएगा, रूट पार्ट में जाएगा अंडर ग्रेविटी, ठीक है. एक है जियोट्रॉप. केमिकल ट्रॉपिज, वाटर ट्रॉपिज और टच. अब तुम देखते हो कि तुम कोई क्या होता है विंडो पे, कोई क्या होता है प्लांटिंग कर देता है, पॉट लगाता है, ठीक है. और उसका उसका जो ब्रांचेस लोगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मत बोला फालतू. देखो तो इसका जो ब्रांचेज होता है ये गिरा जाता है विंडो के बाहर में, जिधर से लाइट आता है. स्टिमुलस क्या? लाइट. लाइट तो फोटो ड्रॉप यही है, ठीक है. चैप्टर में कोई टॉपिक तो नहीं रह गया? खत्म. ह्यूमन नहीं पढ़ा बेटा? लिखना दिन क्या पढ़ा है? उसे नोट देंगे, नोट लिखेगा. और उसके नोट्स में आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगा. अभी लिखना क्या? ये भी लिखना है? हाँ अभी. एक बस लिख के सबमिट कर देना कॉपी. बना के लोगों ने नहीं किया है? बना हो गया. कैसे हो गया? क्लास के बीच में कैसे कर लिया?
आपको तो उससे बस ऐसे ही वो देखती कि नहीं हो गया था पहले से इसे मतलब तो नोट करने का वो डायग्राम बना लिया कैसे बनाया सही बनाया हां सर एकदम सही बनाया लोग होम भी हो सकता चेक कर लेवल नहीं किया है सर हां लाइक हां लाइक ओके देखो हट करके सर नहीं दिख रहा है आगे आ जा सर मेरा भी नहीं हुआ वाटर हाइड्रो टच ड्रॉपलेट्स हो गया बंद है अरे केमिस्ट्री कॉपी लगती है ना या पार्टनर
बनाओ